अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो अप योर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हम जैसे कि अब आप यहाँ पर देखते हैं वाइट स्टूडियो का मेरे पास बटन शो हो रहा है और यहाँ मेरे ऊपर बटन्स में भी मेरा वाइट स्टूडियो का कहते हैं जो बटन शो हो रहा है। अब ये किस तरीके से हम अपने कंप्यूटर में लगा सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले आपने करना क्या है, वीडियो को लाइक कर देना है। वीडियो को लाइक करने के बाद आपने यहाँ पर आपको थ्री डॉट्स दिख रहे होंगे, थ्री डॉट्स पे आने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे, न्यू टैब, न्यू विंडो, न्यू इंडिगो विंडो, हिस्ट्री और डाउनलोड, बुकमार्क्स, जूम, प्रिंट, कास्ट, फाइंड टूल, एडिट, सेटिंग, हेल्प एंड एग्जिट। आपको करना क्या है, बुक्स मार्क वाले पे बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आ जाना है बुक्स मैनेजर में, बुक्स मार्क मैनेजर में आ जाना है। बुक्स मार्क मैनेजर में आने के बाद आपने अपने वाइट स्टूडियो मतलब यूट्यूब में जाने के बाद अपने वाइट स्टूडियो में जैसे हम जाते हैं वैसे आ जाना, ठीक है। तो अब सेटअप स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। वाइट स्टूडियो में आपने आ जाना, ठीक है। तो वाइट स्टूडियो में आने के बाद आपने करना क्या है, ऊपर आपको आपके चैनल का URL नज़र आ रहा होगा, मतलब जो इसके ऊपर आप एक मिनट, अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास पूरा ये आ जाएगा, इसको आपने कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पर आपको जीमेल यूट्यूब का बटन शो हो रहा है, ये खाली यूट्यूब यहाँ पे लिखा होगा। आपने करना क्या है, यहाँ पर आ जाना है, तीन डॉट पे क्लिक करना है, तीन डॉट पे क्लिक करने के बाद एडिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने यूट्यूब लिखा होगा, आपने लिखा है माय चैनल वाइट स्टूडियो और यहाँ पर आपने अपने चैनल का पेस्ट कर देना है, ठीक है, वो जो ऊपर हमने URL उठाया था, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखें मेरे चैनल का URL लग चुका है। अब यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ मैं अपने वाइट क्रिएटर स्टूडियो में पहुँच जाता हूँ। तो यही फ़ायदा है इसका लगाने का। और अब मैं आपको वो जो दूसरा बटन है ना वो भी लगाना सिखा देता हूँ। तो अब आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मैंने अपने वाइट स्टूडियो का बटन लगा रखा है। अब ये किस तरीके से लगाते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक मिनट मैं यहाँ से एक को रिमूव करता हूँ क्योंकि यहाँ पर 10 से ज़्यादा नहीं लगते। आपने आपके पास कुछ ऐसा बटन शो होगा ऐड शॉर्टकट, ऐड शॉर्टकट में आपने यहाँ नीचे लिंक पेस्ट कर देना और ऊपर लिखना है वाई टी स्टूडियो, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है शॉर्टकट ऑलरेडी एक्जिस्ट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो डाल रखा है, और आपने डन पे क्लिक कर देना है, फिर आपका शॉर्टकट यहाँ पे वो रेडी हो जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक किया करेंगे आप अपने YT क्रिएटर स्टूडियो में पहुंच जाया करेंगे। यार काफ़ी ये छोटी छोटी मेन टिप्स होते हैं जिनसे हमारी मतलब काफ़ी आसानियाँ होती हैं काम करने में कराने में, ठीक है। तो अब आज की वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और पहले से नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।